खबर रायपुर से आ रही है। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रायपुर उत्तर पुरंदर मिश्रा ने छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार द्वारा ऋषि पंचमी को नुआखाई के दिन हर वर्ष छत्तीसगढ़ के उत्कल बहुल जिलों में स्थानीय अवकाश घोषित करने के लिए जिला कलेक्टर्स को निर्देशित करने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। मिश्रा ने अपनी प्रेसवार्ता में पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि प्रदेश के शेष जिलों में नुआखाई एवं पूर्ववर्त ऐच्छिक अवकाश के रूप में सूचित रहेगा। प्रेसवार्ता में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिबडानी की भी उनके साथ उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खबर में। सबको जय जगन्नाथ, जय श्री राम, सबको नमस्कार, अभिवादन। दिवाली अभी गया है, उसकी बधाई। आज एकादशी है, उसकी मंगल कामनाएं। आज के बाद प्रभु आपकी सब मंगल कामनाएं के लिए आपके द्वार खुल दिए हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, अभिनंदन। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके पास। छत्तीसगढ़ सर्व उड़िया समाज का बहुत दिनों से मांग चलते रहा है। पिछले समय नवाखाई ऋषि पंचमी दिन हमारा नवाखाई का त्यौहार होता है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि हमारा उस दिन का एक छुट्टी घोषणा हो जाए, ताकि हमारा उड़िया समाज बड़े हर्षोल्लास के साथ अपना त्यौहार मनाए। उसके पहले ऐच्छिक अवकाश था, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा अवकाश स्वीकृत किया है। हम उनको हृदय से अभिनंदन करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं और उनको सभी समाज की तरफ से आशीर्वाद देते हैं कि उनका जीवन सुखमय हो, दीर्घायु हो और छत्तीसगढ़ का नाम चलाने में उनको कोई दिक्कत नहीं हो। आज एकादशी के दिन हम सब कृतार्थ हुए, उनके उपकार में आए, ये सब उनको आशीर्वाद करके उनको जीवन सफल बनने का बधाई देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने 35 लाख उड़िया जसपुर से लेकर जगदलपुर तक, राजनाम गांव से लेकर सरायपाली तक 24 जाति को समाहित होने वाला उड़िया समाज, 32 विधानसभा को प्रभावित करने वाला उड़िया समाज, 9.75% पॉपुलेशन का उड़िया समाज उनको अभिनंदन करता है, बधाई देता है कि हमारा महत्वपूर्ण त्यौहार नवाखाई त्यौहार हमारा जीवन शुरू होता है, हमारा समाज का सर्वांगीण कार्य अच्छा कार्य शुरू होता है। उस दिन हम नवाखाई में नए वस्त्र पहन के हमारे आराध्य देव को नवा अन्न का भोग लगा करके हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और छोटों को शुभकामनाएं देते हैं। ऐसा हमारा त्यौहार रहता है। उस त्यौहार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा मान करके, शुभ मान करके हमको छुट्टी का ऐलान किया है। उसके लिए उनका हम हृदय से अभिनंदन करते हैं।